मैंने लाइक 30+ kg लूज़ किया, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कितना वज़न कम करते हैं, सकते हैं आप बेशक लाइपोजेन सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको शुरू के अंदर ही कुछ वीडियोज़ मिलेंगे और वो कोई ना डाइटिशियन है, ना डॉक्टर है, ना फिजिशियन है, कुछ भी नहीं है, और वो कह रही हैं आपको बिल्कुल किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि आपने लाइपोजेन इस्तेमाल करनी है। तो भाई आपको क्या पता कि अगले की कंडीशन क्या है, आपको उनका लिवर का मसला है, किडनीज का मसला है, तो वो खामखा ही जैसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लोग आजकल समझदार हैं, वो एक चीज़ खरीदने से पहले वो यूट्यूब के ऊपर जरूर सर्च करते हैं लाइपोजेन वेट लॉस रिव्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी गार्सिनिया कम्बोजिया के ऊपर और बहुत से लोगों ने सर्च किया, मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो मैंने उसके जब एनालिटिक्स देखे तो लोग एक सप्लीमेंट सर्च कर रहे थे लाइपोजेन के नाम से, एक मेटा डिटॉक्स के नाम से। तो मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज भी किया और बहुत से सवालात भी किए, लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि जो कि अच्छे थे और कुछ ऐसे थे जो बुरे थे। तो मैंने उसके अंदर गार्सिनिया कम्बोजिया का मैंने आपको बताया था कि ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एक कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड HCA कहते हैं, जो कि आपकी एपेटाइट सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जस्ट एपेटाइट सप्रेसेंट है, इसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बहुत से लोगों ने जो अपनी राय का इजहार किया तो 70-80% लोगों का यही ख्याल था जिन्होंने इस्तेमाल किया कि इसका उनके वेट लॉस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। कुछ लोग डेफिनेटली अगर आप वो वीडियो भी देखें तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमें इससे अफेक्ट हुआ था। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे वो मैं क्लियर करना चाह रहा था क्योंकि उस कमेंट के नीचे बहुत से लोग एम्बिगुअस हो रहे थे, पूछ रहे थे आपने कैसे इस्तेमाल किया, किस तरह इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली बात ये होती है कि अगर आप किसी के ऊपर वो अफेक्ट कर रहा है, वो जो गार्सिनिया कम्बोजिया है, जो भी सप्लीमेंट उसका नाम है, अब हो सकता है उस बंदे के अंदर वाकई ही एपेटाइट का मसला हो, एपेटाइट सप्रेस करने की ज़रूरत हो, यानी वो बहुत ज़्यादा खाता हो। फॉर एग्जांपल उसने वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करना शुरू किया, वो कम खाना शुरू हो गया, जब कम खाना शुरू हुआ तो वो उसका जो वेट है वो कम होना शुरू हो गया। लेकिन ये केस सारों के लिए नहीं होता, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी भूख कंट्रोल होगी, उनके लिए वो एज़ इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था कि लिवर और जो किडनीज हैं उनके लिए ये हार्मफुल हो सकता है, तो क्योंकि इसके ऊपर स्टडीज़ इतनी नहीं की गई। और जब आप लेबल भी पढ़ें गार्सिनिया के तो वो यही कहते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन आपकी सही होनी चाहिए, डाइट आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पॉइंट था मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर एक बात की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो केसेस लेते हैं, एक बंदा है उसको हमने गार्सिनिया दिया है और साथ डाइट करवाई है, और सेकेंड एक बंदा है उसको हमने सिर्फ डाइट करवाई है, एक्सरसाइज करवाई है। अब 2 महीने के अंदर अगर हम एक माइंडसेट देखें तो दोनों के अंदर डाइट सेम दी, प्रोफाइल भी सेम थी, दोनों का फॉर एग्जांपल 4-5 kg वज़न कम हुआ। अगर मैं उस बंदों से पूछूं कि आपने डाइट तो की तो आपका क्या ख्याल है कि आपका जो वज़न कम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, अब डेफिनेटली वो बंदा जो कि गार्सिनिया की गोलियां ले रहा होगा तो वो ये ज़रूर समझेगा कि हाँ क्योंकि मैंने गार्सिनिया की गोलियां ली तो इसका कोई इफेक्ट हुआ होगा, तो इस वजह से मेरा वज़न कम हुआ। और जो दूसरा बंदा होगा वो डेफिनेटली कहेगा डाइट मेरी प्रॉपर थी उस वजह से मेरा वज़न कम हुआ। तो यही बात होती है कि समटाइम्स ये होता है कि आपकी डाइट सही होती है और आप साथ सप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। समटाइम्स अगर आप वो कॉम्बिनेशन नहीं चला रहे, आपकी डाइट और एक्सरसाइज आपकी ठीक है तो आपका वज़न तब भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लाइक 30+ kg लूज़ किया, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कितना वज़न कम करते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न कम करते हैं, हर महीने हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, वो महीने 3-3 महीने हमारे साथ काम करते हैं और वज़न कम होता है, उनको हम कोई सप्लीमेंटेशन लिख के नहीं देते। सो ये एक मार्केटिंग ट्रिक होती है, अगर तो वाकई आपको एपेटाइट का मसला है फिर आपका डाइटिशियन या फिजिशियन आपको वो लिख देता है, वरना अगर फार्मेसी पर जाके आप सिर्फ पैसा ही खर्च कर रहे होते हैं, वही पैसा अगर आप अच्छी जगह यूटिलाइज़ करें, पॉजिटिव अपनी डाइट के अंदर इन्वेस्ट करें, प्रोटीन के अंदर इन्वेस्ट करें, ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये एक पॉइंट था जो कि मैं आपको ज़रूर बताना चाह रहा था क्योंकि मैं देख रहा था अपने एनालिटिक्स के अंदर लाइपोजेन मेटा डिटॉक्स वेट लॉस रिव्यूज़, क्योंकि लोग आजकल समझदार हैं, वो एक चीज़ ख़रीदने से पहले वो यूट्यूब के ऊपर जरूर सर्च करते हैं लाइपोजेन वेट लॉस रिव्यूज़ कि वाकई ही चीज़ें काम करती हैं और या काम नहीं करती। सेकेंडली एक पॉइंट था कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं उनके लाखों के अंदर सब्सक्राइबर हैं, लोग हम लोगों को सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि वो क्या कहते हैं, हकीकत ज़्यादातर तलख ही होती है। तो वो लोग जो कि ये सप्लीमेंट्स ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं या जो वो कंपनीज हैं उनको सप्लाई करती हैं, डेफिनेटली वो जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं तो वो
ना उनकी क्वालिफिकेशन है, ना वो इस तरह कर सकते हैं। आप बेशक लाइपोजेन सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको शुरू के अंदर ही कुछ वीडियोस मिलेंगे, और वो कोई ना डाइटिशियन है, ना डॉक्टर है, ना फिजिशियन है, कुछ भी नहीं है, और वो कह रही हैं आपको बिल्कुल किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि आपने लाइपोजेन इस्तेमाल करनी है। तो भाई आपको क्या पता कि अगले की कंडीशन क्या है, आपको उनका लिवर का मसला है, किडनीज का मसला है, तो वो खामखा ही जैसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो वाली बात ही है कि ना क्वालिफिकेशन, ना कोई चीज़, और आप सप्लीमेंटेशन सिर्फ इस वजह से लोगों को करवा रहे हैं क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। तो इस ध्यान में रहना चाहिए कि अगर आप एडवाइस किसी से ले रहे हैं तो आपकी वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। मैंने तो आपको भाई ऑनेस्ट बता दिया था कि अगर आपको कोई बंदा यहाँ पर इस तरह करवा रहा है तो बिल्कुल रॉन्ग नंबर है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो लाइपोजेन अगर आपने इस्तेमाल करनी है या गार्सिनिया इस्तेमाल करनी है, बहुत से ब्रांड नेम्स के अंदर आती हैं, तो ये आप अंडर सुपरविजन इस्तेमाल करेंगे। मैंने जैसे आपको उस वीडियो के अंदर डिटेल होगी, मैंने मैकेनिज्म समझाया था कि लिवर और किडनी डैमेज हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कोई रिसर्च हमारे पास नहीं है, कुछ रिसर्चेज की गई थी और उनका जो था कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं है, और जो अगर कोई सेल कर भी रहा है तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा कि डाइट और एक्सरसाइज के साथ इस्तेमाल करना है। तो एक पॉइंट था ये मैं ज़रूर बताना चाहता था, आई होप कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के